नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज उपस्थित हूं अपने वीडियो रिजर्वेशन पार्ट 14 के साथ, जिसमें मैं चर्चा करूंगा अदर बैकवर्ड क्लासेस की कुछ जातियों की जो आर्टिजन क्लासेस से संबंधित हैं और जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन से संबंधित हैं। सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि रविवार 20 सितंबर को संध्या 5 बजे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जो रिजर्वेशन से संबंधित है उसके साथ मैं लाइव रहूंगा आपके साथ। मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग उसमें साथ देंगे लाइव कार्यक्रम में। अब मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन भारत सरकार ने सबसे पहले तो 1990 में घोषणा की और फिर उसके बाद 1991 में, लेकिन मामला चूंकि दिल्ली की पत्रकार इंदिरा साहनी ने केस कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसका जजमेंट 16 नवंबर 1992 को आया। इस जजमेंट में चूंकि एक चीज लिखी हुई थी कि क्रीमी लेयर का डिटर्मिनेशन होना चाहिए और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए भारत सरकार ने ऑनरेबल जस्टिस रामनंदन प्रसाद साहब की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और उनका जो रिपोर्ट मार्च 1993 में सबमिट हुआ उस रिपोर्ट के पैराग्राफ 29 में जो लिखा गया है वो हम सभी लोगों को जानना चाहिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें लिखा गया कि पर्संस वर्किंग एज आर्टिजन्स और इंगेज्ड इन द हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस कॉलिंग्स एक्सेट्रा लाइक पॉटर्स वाशरमैन बार्बर्स एक्सेट्रा आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ एक्सक्लूशन। रूल ऑफ एक्सक्लूशन क्या है कि वो क्रिमी लेयर किसी कतई नहीं माने जाएंगे। ये जो हुआ इसके आलोक में अब आप ये देखें कि भारत सरकार ने जब रिजर्वेशन का आदेश निर्गत किया डीओपीटी के ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012 दिनांक 8 सितंबर 1993 को, तो उसमें जो पैराग्राफ 2C(2) में क्या लिखा हुआ है उस आप ऑफिस मेमोरेंडम को मेरा अनुरोध होगा कि जरूर आप पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है द रूल ऑफ एक्सक्लूशन विल नॉट अप्लाई टू पर्संस वर्किंग एज आर्टिजन्स और इंगेज्ड इन हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन कॉलिंग्स विल बी इशूड सेपरेटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। अब आप अंदाज कीजिए कि एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा और उसके बाद भारत सरकार के डीओपीटी का जो फर्स्ट मूल पत्र ओरिजिनल पत्र निकला है अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन का, उसके पैराग्राफ 2C(2) में ये सेंटेंस लिखा हुआ है और 27 वर्षों के बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के द्वारा इस पर कोई लिस्ट आज तक जारी नहीं किया गया। अब इससे दुखद स्थिति क्या हो सकती है, निश्चित तौर पर यह आश्चर्य का भी विषय है और दुख का भी विषय है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर ने वर्ष 2018-19 का जो प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया है उसके पेज 60 में भी इसको अंकित किया गया है और कमेटी ने, मैं कमेटी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इतने पुराने मसले को, 27 वर्ष पुराने मसले को उन्होंने सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट तथा डीओपीटी को एक निर्देश दिया कि इस संवेदनशील विषय पर जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन से संबंधित है, आर्टिजन क्लास से संबंधित है, उसमें जो एक्सपर्ट कमेटी की अनुशंसा है उसके संबंध में तुरंत कार्रवाई की जाए तथा नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट निर्गत करने वाले सभी पदाधिकारियों को, सभी कंसर्न को इससे अवगत कराया जाए। अब मैं चर्चा करूंगा कि एक्सपर्ट कमेटी ने जो कुछ कास्ट का जिक्र किया उसका मैंने जो सूचनाएं प्राप्त की विभिन्न सोर्स से, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे पॉटर कुम्हार जाति है जो बिहार में मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में है, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों में
या अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगोरी में है, तो इस जाति को निश्चित तौर पर फायदा हो सकता है। धोबी जाति 23 राज्यों में जो वासरमैन है ये 23 राज्यों में शेड्यूल कास्ट कैटेगोरी में है, तो उनमें तो कोई कठिनाई नहीं है, परंतु कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह में यह अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में आती है। उसके बाद बारबर्स जो हजाम नाई जाति है वो बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में है, परंतु ज्यादातर राज्यों में यह अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगोरी में है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य कई जातियां हैं, मैं उसके संबंध में और चर्चा नहीं करूंगा, चूंकि बहुत सी जातियां हैं जो आज भी अपने पुश्तैनी कार्य को करके अपना भरण पोषण करते हैं, और एक्सपर्ट कमेटी की जो मंशा है कि इनको रूल ऑफ एक्सक्लूशन से बाहर करना चाहिए, इन पर क्रिमिलियर का नियम लागू नहीं होना चाहिए, ये बहुत सोच विचार कर ऑनरेबल जस्टिस रामनंदन साहब ने यह अनुशंसा की, और जो भारत सरकार के डीओपीटी का जो निर्देश निकला पहला, उसमें भी इस बात की चर्चा की गई पैराग्राफ 2C में। मैं सभी राजनीतिक दलों के से और विशेषकर जो अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस संवेदनशील विषय को जो पेशेगत जातियां हैं, कलात्मक कार्यों से जुड़ी हुई जातियां हैं पेशेगत रूप में, पुश्तैनी रूप में, उनके लिए रूल ऑफ एक्सक्लूशन अर्थात कि उन पर क्रिमिलियर का नियम लागू नहीं होना चाहिए, इस संबंध में पत्राचार करें और सरकार के संज्ञान में लाएं, ताकि जल्द से जल्द रूल ऑफ एक्सक्लूशन के संबंध में आदेश भारत सरकार निर्गत कर सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर टच करेंगे। फिर याद कराते हुए कि रविवार 20 सितंबर को संध्या 5 बजे मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।